सहारनपुर की थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 25,000 रुपए का इनामी व लूट का एक शातिर वांछित अभियुक्त दानिश पुत्र अमीर अहमद निवासी नूरबस्ती को मुठभेड़ में गोली लगने के बाद घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने लूट के एक कुंडल पीली धातु, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट, एक तमंचा व एक जिंदा तथा एक खोखा कारतूस 315 बोर भी बरामद किया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कामबिंग की जा रही है। कल देर रात्रि में थाना कोतवाली नगर की पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान डमोला नदी के पास पुल के पास में दो संदिग्ध नजर आए। इनको जब रोककर पुलिस पार्टी ने चेकिंग का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक युवक को गोली लगी और एक भागने में कामयाब रहा। जो युवक पकड़ा गया है उसने शुरुआती पूछताछ में अपना नाम दानिश बताया, जो कि कोतवाली नगर थाने का ही रहने वाला है। ये युवक 25,000 का इनामी था और एक लूट के मामले में वांछित चल रहा था, जिसमें इसने दो दिन पूर्व ही एक महिला के कुंडल छीनने का प्रयास किया था। CCTV के आधार पर इनकी शिनाख्त की गई और इनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया था। ये थाने का स्ट्रीशीटर है और इसके ऊपर दो दर्जन से भी लूट, NDPS और अन्य गंभीर मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने इसको तत्काल अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया है और इनकी गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो इनके साथी फरार हैं उनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और उनकी भी गिरफ्तारी कर शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाए। सहारनपुर की थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा थाना बिहारीगढ़ की पुलिस के साथ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाकर जिला बदर हिस्ट्रीशीट अपराधी को पुलिस कब्जे से छुड़ा लेने एवं पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने वाले 6 शातिर वांछित अभियुक्तों नाजिम पुत्र मंजूर, नसीमा पत्नी नाजिम, सुल्तान पुत्र जरीफ, मुंजीर पुत्र मुस्तकीम, सोनू उर्फ दिलशाद व मुर्सलिन पुत्र मुस्तकीम को गिरफ्तार किया है। आज सुबह थाना बिहारीगढ़ को सूचना प्राप्त हुई कि थाने का हिस्ट्री शीटर, जिसका नाम दिलशाद है, जो कि ग्राम कुर्डी खेड़ा का रहने वाला है एवं वर्तमान में जिला बदर भी चल रहा है, इसकी ग्राम कुर्डी खेड़ा में उपस्थित होने की सूचना मिलती है। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ की पुलिस मौके पर पहुंचती है एवं जो अभियुक्त दिलशाद है उसे हिरासत में लिया जाता है। कुछ देर बाद इसके सहयोगी वहां पर उपस्थित होते हैं और पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करके जो अभियुक्त है उसे पुलिस अभिरक्षा से भगाकर ले जाते हैं। इस संबंध में थाना बिहारीगढ़ पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है एवं पुलिस की टीम्स का गठन किया जाता है। तत्परता से पुलिस द्वारा जो फरार हिस्ट्री शीटर एवं जिला बदर अपराधी है उसे एवं उसके 4 सहयोगियों को हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है एवं आज उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शीघ्र ही इस घटना में इन्वॉल्व जो बाकी अभियुक्तगण है उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित। सहारनपुर में नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि जब से उन्होंने अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ आवाज उठाई है तभी से उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि उनके साथ भविष्य में कोई हादसा होता है तो उसका सीधे सीधे जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा। संजय वालिया आज यहां कोर्ट रोड स्थित एक प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गत दिवस जिले में चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच कराने को लेकर ज्ञापन दिया था, तभी से उनको जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया है। उन पर राजनैतिक दबाव भी बनाया जा रहा है कि आप इस मामले से हट जाओ। आज 32 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गए हैं, आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं किया जो आज मैं महसूस करने का काम कर रहा हूं। मैंने पिछले एक हफ्ता पहले जनपद में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर जो चल रहे हैं उनके खिलाफ एक सबूत के समेत CMO साहब को ज्ञापन दिया था, जिस ज्ञापन में साफ साफ था कि ये लोग ये गलतियां कर रहे हैं। मान लिया मैक्स नकुड़ अल्ट्रासाउंड सेंटर, गंगो सूरज अल्ट्रासाउंड सेंटर और गंगो में ही KS अल्ट्रासाउंड सेंटर, सहारनपुर में विपुल गर्ग की वाइफ का जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है तारावती रोड पे और मंडी समिति रोड पे मैक्सवेल, इन 5 के खिलाफ मैंने अपनी बात कहने का काम किया था। लेकिन पता नहीं क्या जलजला शहर के अंदर आने का काम हो गया, क्या मैंने गलत कहने का काम कर दिया, एक सच को उजागर करने का काम किया। जब अल्ट्रासाउंड सेंटर पे डॉक्टर नहीं होते हैं तो
तो आप सोच सकते हो मरीजों के साथ क्या व्यवहार होता होगा। जिस पैथी का वो डॉक्टर है उस पैथी का अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं तो सोच रहे आम आदमी का क्या होगा। और आज पूरा शहर जलजला रहा है कि संजय वालिया गलत कर रहा है, हर कोई कहने का काम कर रहा है कि संजय वाले की गोली मार दी जा, संजय वाला बेईमान है। मैं जानना चाहता हूँ सभी लोगों से, चेमो साहब से भी, पिछले 32 साल में कोई एक इतिहास उठा के दिखाए कि मैंने बेईमाना करने का काम किया हो, कैसे दो पैसे लेने का काम किया हो। ऐसा नेताओं के द्वारा भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस पे पीछे हट जाइए। मेरे गाड़ी रोक रोक कर चार चार लोगों का समूह, दो दो लोगों का समूह किया तो पीछे हट जाइए, आपको जान से मार दिया जाएगा। आप सब कल भी धक्का मुक्की होने का काम हुआ, आज सुबह भी मेरे साथ बदतमीजी होने का काम हुआ। जो आपके साथ इस पर अगर ये कहीं ना कहीं वो एक ही बात कहते हैं पीछे हट जाओ, तो इसका साफ तौर पर अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले लोग हैं और ये कह रहे हैं अभी तो नमूना है, नहीं तो शांत सवेरे में आपके साथ करने का काम करेंगे। ईमानदार जब मन से दुखी हूँ, इतना दुख है कि क्या सच बोलना गुनाह है। प्रशासन साथ देने का काम नहीं करता, सीएमओ साहब से बात करो वो बताने का कुछ काम नहीं करते हैं, वो कहते हैं जांच चल रही है। जब हमने दिया था पहले एक बार पहले दिया था 15 दिन पहले, फिर अब दिया 7 दिन पहले, सोमवार तक का टाइम दिया, चलो सोमवार को ही थी, फिर मंगल आज बुध जैसे आप बता रहे हैं।